वालेकुम व्यूअर्स टूडेज़ रेसिपी इज़ अ स्नैक रेसिपीज़ विच यू कैन इन्जॉय बाय ईटिंग इन द इवनिंग टाइम स्पेशली इन फोर टू फाइव पी एम विच इज़ टी टाइम वी ऑल्सो कॉल और सबसे पहले आप आप इसकी आवाज़ सुने तो देखा जी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है इसको मैंने खाकर बताया है आपको बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी चीज़ों से हमने बनाकर तैयार किया है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और चलते हैं हम इसको बनाने के लिए तो जी सबसे पहले हमें ले लेना है आलू तो ये हमने आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद हम इसको पील कर लेंगे ठीक है जी इसको हमें छील लेना है और इसके बाद जो है हम इसको ग्रेट करेंगे ठीक है अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है आप उस शॉर्ट ट्रिक को देखकर भी फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं आलू की जो रेसिपीज़ थी उसमें इसलिए मुझे याद आया कि मैंने आलू की फ़्रेंच फ्राइज़ भी बनाई थी ठीक है जी अब जो है हमें आलू को ग्रेट कर लेना है ये देखें जी इतने बड़े बड़े इसके जो है लच्छे टाइप के निकल आएंगे और हमें इसको ये जो साइज़ है किसनी का ग्रेटर का उससे हमें इसको ग्रेट कर लेना है इसमें आपको बारीक वाला जो है ग्रेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है ठीक है अब जो है हमने सारे जो आलू है उसको ग्रेट कर लिया है अब हमें इसको करना है वॉश तो वॉश करने के लिए हमने पहले एक वैसन ले लिया है उसमें हम इसको सारा ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको तीन से चार बार अच्छे से वॉश कर लेंगे अच्छा वॉश करने से क्या होगा इसके अंदर जितना भी स्टार्च वगैरह है वो सब निकल जाएगा जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे तो हमने इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो पानी है वो इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से हम इसको वॉश कर लेना है हाथ से कर लेंगे थोड़ी देर बाद ठीक है जी फर्स्ट टाइम में आपका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इसका आ, स्टार जो है वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा ठीक है जब तक आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे जब तक आपका वाटर क्लाउडी रहता है तब तक आपको वॉश कर लेना है ठीक है मैंने एक दूसरे बर्तन में भी पानी ले रखा है और इसमें से मैं इसको ड्रेन आउट करके दूसरे वाले बेसन में डाल दूँगी ठीक है जी ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपके जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाएंगे मतलब खींचेंगे एक उसमें चुईनेस आ जाएगी वो जो हमें अच्छी नहीं लगती ठीक है जी ये हमने सेकंड टाइम भी हमने इसको अच्छे से मसल मसल के धो लेना है हल्के हाथों से रैप करें ठीक है जी ये देखिए आप इसके बाद हम इसको एक बार और पानी में डाल देते हैं कि ये हम निकाल कर इसके अंदर भी पानी डाल देंगे ये हमने पानी चेंज कर लेना है फिर सारा जो इसका स्टार्च है स्टार्च की वजह से ये क्रिस्प नहीं हो पाते और हमें स्टार्च इसका हटाना है ठीक है ये हमने उसमें पानी मिला लिया है और लास्ट हमने इसको सारा जो पानी है इसको स्क्वीज़ कर लेना है अब हमें कुछ इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना है और अब जिसमें हमने इसको पूरा मिक्सचर तैयार करना है उसमें हमें डालते जाना है ठीक है जी सारा पानी जो है हम इसका स्क्वीज़ कर लेंगे और इसका जो है पटेटोज़ जो है हमारे आलू जो है वो बहुत अच्छे से आ, ड्राई टाइप के हो जाएंगे मतलब इसका स्टार्च निकल जाएगा तो इसमें जो चिकनापन होगा वो बिल्कुल निकल जाएगा ठीक है जी अब जो है हम जनाब इसमें डालते हैं कुछ स्पाइसेस तो सबसे पहले डालेंगे इसमें नमक हाफ टी स्पून डाल दिया हमने इसमें और इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा रेड चिली पाउडर अगर आप ग्रीन चिली डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं एक चम्मच चाट मसाला है बहुत ज़रूरी है सारा फ्लेवर सभी चीज़ इसी की वजह से आएगी और हल्दी पाउडर डाला है वन फोर टी स्पून फॉर एनहेंस द कलर और हरा धनिया फ्रेश लीव्स हमने चॉप्ड करके डाल दिए तो जनाब ये तीन चार मसालों से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है और इसके बाद हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर क्योंकि हमें थोड़ा सा और क्रिस्प करना है इसको तो हमने यहाँ पर दो चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है इसके बाद हम डालेंगे इसमें दो चम्मच मैदा अभी फ़िलहाल के लिए मैं दो चम्मच डाल रही हूँ अगर आपकी बाइंडिंग कंडीशन आ जाती है तो फिर आगे ना डालें या फिर आप एक बार मिक्स कर लें तो सबसे पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है हमें और मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें देख लेंगे कि अगर इसमें बाइंडिंग कंडीशन आ गई है कि मतलब थोड़ा सा ये जो है इकट्ठा हो जाएगा पकौड़े बनाने के लायक तब तो इसमें ठीक है नहीं तो हम इसमें दो चम्मच मैदा और डालेंगे ठीक है आलू ज़्यादा थे इसलिए दो चम्मच टी स्पून जो हमने डाले हैं वो उसमें मैदा कम लग रही थी तो मैंने दो चम्मच और मिला डाली ये देखें अभी ये बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा है तेल में जाने के बाद ये बिल्कुल बिखर जाएगा इसलिए मैंने इसमें दो चम्मच के बराबर मैदा और डाल दिया है ठीक है जी इसके अलावा हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मैदा नहीं डालना है और थोड़ा सा ये बिखरा रहे एकदम एकदम बिल्कुल भी जुड़ा हुआ भी ना हो क्योंकि हमें जो है लच्छा वाला पकौड़े बनाना है और अभी जो है हमने इसमें नमक डाला है तो ये थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगा आप देख सकते हैं ये अब जो है हल्का सा तेल में जाने के बाद ऐसे प्रेस करके अगर आप डालेंगे तो ये बिल्कुल नहीं बिखरेंगे ठीक है जी और इसमें जब अगर ज़्यादा पानी अगर ये छोड़ देता है तो आप हल्का हल्का स्क्वीज़ करते जाए उसके बाद ही आप तेल में डालें ठीक है यहाँ हमने जो है तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल जो है आपका वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जैसा मैं बता रही हूँ आपको ये देखें ये पानी छोड़ दिया है थोड़ा सा इसमें हल्का सा और बिना पानी के किया था हमने इसको लेकिन अभी इसमें ऐसा लग रहा है जिसमें इसमें हमने पानी डाल दिया है लेकिन आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और सारा पानी स्क्वीज़ करके ही आलू यूज़ करना है ठीक है जी अब हल्का हल्का आप इसको प्रेस करके पकोड़े बनाएं तो जिससे इसमें पानी थोड़ा बहुत और भी होगा तो वो भी निकल जाएगा ठीक है जी अब जो है हम इसमें ऑयल जो है वो मीडियम होना चाहिए एकदम आपको तेज़ तेल में नहीं करना है ठीक है मीडियम ऑयल में आप फ्राई करें इससे भी आपके जो पकौड़े वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे ये जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आते हैं ये घर में और चाय चाय के टाइम पर आप इसको बनाएँ बिल्कुल मेहनत नहीं है और ज़्यादा कोई इसमें सामान नहीं लगता है बिल्कुल ईजी रेसिपी है तो ये देखिए जी अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं ये और दस मिनट लगे इसको फ्राई होने में क्योंकि हमने इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है और मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे तो ये क्रिस्प होंगे और आप देख सकते हैं कि ये दिखने में ही बहुत ज़्यादा क्रिस्प लग रहे हैं कि ठंडे होने के बाद भी ये जो है ये ऐसे कैसे रहेंगे इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा आप ये ना सोचें कि ये ठंडे हो जाएंगे तो ये सॉफ़्ट हो जाएंगे या कुछ भी लेकिन ये ठंडे होने पर और भी ज़्यादा क्रिस्प हो जाते हैं ठीक है जी फटाफट फड़ से हम ये सेकेंड पेज भी अपना फ्राई कर लेते हैं तो ये जी जनाब हमने ये सेकंड पेज भी कर लिया है और इसको हम जो है डिश आउट करके बताते हैं आपको ठीक है सारे जो पकौड़े हैं वो हम निकाल लेते हैं ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद आप निकाल लें ये देखें जी आप पास से दिखा देती हूँ मैं आपको ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा मज़े के भी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं ठीक है जी आवाज़ सुने आप इसकी मैं आपको आवाज़ सुना देती हूँ ये देखिए पास से आप थोड़े से ठंडे हो गए फिर भी ये वैसे के वैसे तो सुनी जी आपने आवाज़ कितनी क्रिस्पी है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़